बड़ा ही बेसिक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुशअप, जिसे देसी भाषा में सपाटा भी बोलते हैं। तो आइए हम करते हैं। इसके लिए हम मैट के बैकेंड में खड़े हो जाएंगे और उठने के बाद फोल्ड होते हुए यहाँ टेबल टॉप पोजीशन में आप आ गए और यहाँ अपनी दोनों हथेलियों शोल्डर के नीचे शोल्डर विड्थ के पास हाथ रखना है और दोनों पैर को हिप विड्थ के पास रखना है और ये हमारा है ओरिजिनल स्टार्टिंग पोज। अपने हाथों को हथेलियों को यहाँ वजन देना है, तो यहाँ वजन देना है ये वाले भाग में, यहाँ प्रेस करना है जैसे कि आप धरती को ही प्रेस कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग। अब हम इसे ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज करके ही पुशअप करेंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, ये देखिए यहाँ रहा, और इसमें कोशिश करना है इसको हाथ को दोनों एल्बो को बॉडी के क्लोज रखना है और पीछे की ओर फोल्ड करना, बाहर की ओर नहीं। ये देखिए धीरे धीरे जा रहा, और यहाँ हम धीरे धीरे अपने चेस्ट को गेज करेंगे। एक्सहेल करता हूँ, इनहेल करता हूँ, ऊपर आ जाना, इस तरह से आप शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए चार पुशअप से ही, फिर धीरे धीरे 8, 12, 16 पर जाइए। धीरे धीरे अपने आप को पुश कर दे जाएंगे, और जब भी आप पुशअप कर रहे हो तो सेट बना के कीजिए। एक सेट में 4 रेप्स लीजिए कुछ दिन तक, और 3 सेट कीजिए, और फिर अगले दिन 5-5 रेप्स कीजिए। सेट की संख्या 3 ही रखिए। तो इस तरह से सेट और रेप करके जब हम करते हैं तो बिल्कुल साइंटिफिक हो जाता है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को भी मालूम हो जाता है कि हमें अब क्या करना है। हमारे मसल भी तैयार हो जाते हैं हमें एक्सरसाइज में साथ देने के लिए, और जो हम डिजायर्ड रिजल्ट रखते हैं उसे भी देते हैं। तो आइए फिर से हम पुशअप सिर्फ 8 सेट का, 8 रेप्स का करेंगे। हमारा बेसिक पुशअप है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से शुरुआती में आप सिर्फ 8 रेप्स का ही 3 सेट बना लीजिए, फिर देखिए आपके कोर कैसे मजबूत हो जाएंगे, बाकी एक्सरसाइज को करने में भी इसमें मदद मिलेगी।